Assalamualaikum, how you all guys are? Hope so you guys would be fit and fine. Welcome back to my channel, Zeenat Sazan. Well friends, who does not want to have soft, smooth and rosy pink lips? Of course, every one of us. So, इसलिए आज की वीडियो में I will let you guys know कि हम अपने dark trap और rough lips को किस तरह से soft, smooth और pinkish बना सकते हैं घर पर naturally. As we all know कि हमारे lips की skin बहुत ज़्यादा sensitive होती है और हमारे lips में चिकनाई पैदा करने वाले glands मौजूद नहीं होते हैं, इसलिए इनको dry होने से बचाने के लिए हमें lip balms वगैरह use करना पड़ती हैं ताकि हमारे lips chapped नहीं हों और dehydrated नहीं हों, क्योंकि जब हमारे lips dehydrated होते हैं फिर ये tan हो जाते हैं और इनका color जो है वो ख़राब हो जाता है. सो होंठों के ख़राब रंग को दोबारा से पिंक बनाने के लिए हम एक होममेड लिप बाम और एक एक्सफिलिएटर बनाएंगे, विच इज़ वेरी ईजी. लेकिन इससे पहले हम उन रीजंस और उन कॉजेज़ को जान लेते हैं जिसकी वजह से हमारे लिप्स जो हैं वो डार्क हो जाते हैं, उनका कलर ख़राब हो जाता है. सो हियर यू कैन सी द रीजंस ऑफ डार्क लिप्स. नंबर वन है हॉट टी एंड कॉफ़ी. कुछ लोग बहुत गर्म चाय और कॉफ़ी पीते हैं जिसकी वजह से उनके लिप्स का कलर जो है वो ख़राब होता है. सेकेंड पर है स्मोकिंग एंड अल्कोहल ड्रिंकिंग, जो कि बॉयज़ में बहुत ज़्यादा है और उनके लिप्स जो है वो ब्लैक हो जाते हैं. लिप्स में हाइपर पिगमेंटेशन का एक रीज़न लो क्वालिटी कॉस्मेटिक्स का यूज़ करना भी है, और समटाइम्स हम एक्सपायर्ड लिपस्टिक्स या चैपस्टिक्स वगैरह यूज़ कर लेते हैं जिसकी वजह से हमारे लिप्स का कलर इस तरह से ख़राब होता है कि दोबारा से वो रिकवर नहीं हो पाता. सो इसलिए बी वेरी वेरी केयरफुल कि जब भी आप लिपस्टिक्स वगैरह या चैपस्टिक्स वगैरह यूज़ करें तो उसकी एक्सपायरी देख लें, क्योंकि एक्सपायर्ड लिपस्टिक और चैपस्टिक आपके लिप्स के कलर को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देता है. नंबर फोर पर है डायरेक्ट सन एक्सपोजर. जब भी हम सन एक्सपोजर हमारा होता है, हम अपने फेस को सनस्क्रीन सनब्लॉक वगैरह लगाकर कवर कर लेते हैं और उसको यूवी रेज से प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन हम अपने लिप्स को यूं ही छोड़ देते हैं और फिर क्या होता है, और सन की हार्मफुल रेज हमारे लिप्स के पिंकिश कलर को स्नैच कर लेती हैं और उनको डार्क बना देती है. इसलिए मेक श्योर हमारा जब भी सन एक्सपोजर हो हम वो लिप बाम यूज़ करें जिसके अंदर SPF इंग्रेडिएंट हो. रीज़न नंबर फाइव इज़ लैक ऑफ हाइड्रेशन. जब हम कम पानी पीते हैं उससे डिहाइड्रेशन होती है जिसकी वजह से हमारा सिर्फ हमारे लिप्स का कलर ख़राब होता है बल्कि हमारी फेस का हमारी स्किन का कलर भी ख़राब होता रहता है. इसलिए 8-10 ग्लास पानी जो है पर डे हमें पीना चाहिए. सो ये वो कुछ रीजंस थी जिसकी वजह से हमारे लिप्स का कलर डार्क हो जाता है. सो अब हम वो लिप बाम और एक्सफोलिएटर बना लेते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, इस लिप बाम को बनाने के लिए सबसे पहला इंग्रेडिएंट जिसकी हमें ज़रूरत है वो है वेस्टिन की पेट्रोलियम जेली, जो कि हम इस लिप बाम में यूज़ करेंगे. और सेकेंड इंग्रेडिएंट जो है वो है बीटरूट पाउडर यानी चुकंदर का पाउडर. आप चुकंदर का जूस भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मुझे पाउडर बेहतर लगता है इसलिए मैं पाउडर यूज़ कर रही हूँ. थर्ड इंग्रेडिएंट है कोकोनट ऑयल. और फोर्थ इंग्रेडिएंट इस लिप बाम में जो हम यूज़ करेंगे वो है ये कैप्सूल्स, विटामिन ई के कैप्सूल्स, जो आपके आपको किसी भी फार्मेसी से ईजीली मिल जाएंगे. सो अब हम इसको बनाते हैं. ओके, इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अब हम मिक्स कर लेंगे. 1.5 टीस्पून बीटरूट पाउडर का मैं इसके अंदर डाल रही हूँ और 1 टीस्पून पेट्रोलियम जेली का इस लिप बाम के अंदर जाएगा. एज यू गाइस कैन सी मैंने इसके अंदर डाल दिया है. इसके बाद मैं इसके अंदर 1.5 टीस्पून कोकोनट ऑयल डालूँगी. और कोकोनट ऑयल के आप 1 टीस्पून भी यूज़ कर सकते हैं. वेल, अगर आपके लिप्स ज़्यादा चैप्ड और ज़्यादा ड्राई रहते हैं तो फिर आप 1.5 यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप 1 टीस्पून भी डाल सकते हैं. अच्छा, इसके बाद मैंने इसके अंदर विटामिन ई के 2 कैप्सूल्स डाल दिए हुए हैं. दैट्स इट अबाउट इट. ओके, अब हम इनको अच्छी तरह से बीट करके मिक्स कर लेंगे इस तरह की एक बाम की फॉर्म में आ जाए. और आप इस तरीके से भी मिक्स कर सकते हैं इसको, इस तरह से जिस तरह से मैं कर रही हूँ, या फिर आप इसको डबल बॉयलर पर रख कर भी मिक्स कर सकते हैं. और इसको मिक्स करने के बाद आप किसी भी कंटेनर में डालकर रख सकते हैं. आप अपनी बेड की साइड टेबल पर भी रख सकते हैं, कोई इस तरह का मसला नहीं है कि इसको फ्रीज़र में ही रखेंगे या फ्रिज में ही रखेंगे तो ये सेव ये स्टोर रह सकेगी. ओके, अब ये लिप बाम बिल्कुल तैयार है. अब मैं इसको इस कंटेनर में डाल दूँगी. आपके पास जो भी कोई टाइनी और मिनी साइज़ का कोई भी कंटेनर हो आप उसके अंदर डालकर इसको रख लें. और इट्स सो कन्वीनियंट टू यूज़, और मार्केट की एक्सपेंसिव वाली लिप बाम से आपको इससे अच्छा रिजल्ट मिलेगा. आपके लिप्स का कलर किसी भी वजह से डार्क हो गया हुआ हो या ख़राब हो गया हो, इस लिप बाम को एटलीस्ट 15 डेज और मैक्सिमम 1 मंथ यूज़ करने के बाद आपको प्रोमिनेंट डिफरेंस नज़र आएगा.
आप फील करेंगे कि आपके लिप्स का कलर जो है वो पिंकिश होना शुरू हो गया है और लिप्स जो हैं जो डार्क थे वो लाइटन होना शुरू हो गए हैं। और यहाँ पर मैं आपको इसका कलर एक बार को लगा कर दिखा रही हूँ, ये इस तरीके से इसका कलर है। रात को सोने से पहले इस लिप बाम को रेगुलरली यूज़ करने से ना सिर्फ आपके लिप्स का कलर यू नो नेचुरली पिंकिश हो जाएगा, बल्कि आपके लिप्स जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे, सपल हो जाएंगे, प्लम्पी लुक आएगी और बड़ी हेल्दी सी लुक आपके लिप्स को मिलेगी। और ना सिर्फ रात के वक्त बल्कि आप इसको डे टाइम में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बीट रूट के अंदर मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स लिप्स को सन डैमेज से भी प्रोटेक्ट करते हैं। इस लिप बाम का रिजल्ट आपको उस वक्त बहुत फास्टली और बहुत रैपिडली मिलेगा जब आप इसको यूज़ करने से पहले एक लिप एक्सफोलिएटर यूज़ करेंगे। और वो एक्सफोलिएटर हम किस तरह से बनाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए हमें शुगर चाहिए और जिसको मैंने ग्राइंड करके बिल्कुल पाउडर की जिस तरह से फॉर्म में ले आई हूँ, और वाइट शुगर है, आप ब्राउन शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद इसके अंदर आलमंड ऑयल के कुछ ड्रॉप्स डालूंगी और फिर इसके बाद कोकोनट ऑयल के कुछ ड्रॉप्स डालूंगी। इतने ड्रॉप्स हमने डालने हैं कि ये एक बिल्कुल जिस तरह से पेस्ट की फॉर्म में आ जाए और एक स्क्रब की तरह से ये इसकी कंसिस्टेंसी बन जाए। आप इस लिप स्क्रब को ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं और बनाकर आप इसको किसी भी कंटेनर में डालकर यू नो सेव कर सकते हैं। या फिर मैं इसको जब बनाती हूँ तो बिल्कुल थोड़ा सा बनाती हूँ, क्योंकि मैं जब भी बनाती हूँ फ्रेश बनाकर और इसको यूज़ करती हूँ। और ये इतना अच्छा लिप स्क्रब है कि इसके इस्तेमाल से यू नो आपके लिप्स की सारी डेड स्किन जो है वो विद इन डेज रिमूव होती है। वीक में 2 or 3 times आप इस स्क्रब को यूज़ करें और साथ साथ इस लिप बाम को यूज़ करें और फिर आप देखें लिप्स का कलर किस तरीके से रिकवर होता है, किस तरह से रेडिश पिंकिश हो जाता है। पहले आप इन दोनों चीज़ों को लिप बाम और लिप स्क्रब को यूज़ करें और करने के बाद आप मुझे ज़रूर बताइएगा। वेल ये तो थी मेरी आज की वीडियो, आपको किस तरह की लगी मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।